अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाइट है? नहीं, ये अरानी के बच्चे हैं। नहीं, ये मेल मेल, ये स्प्लिट है। स्प्लिट है, क्वालिटी होती है। एक्टिव बच्चे भाईजान, चेक करें मेंटेनेंस यहाँ पे, कितने ही एक्टिव बच्चे हैं यहाँ पे, चेक करें आप जरा। और आपको जैसे लास्ट में बताया कि ये जाके व्हाइट होते हैं। अच्छा, ये व्हाइट गारंटेड बच्चे हैं। हाँ, ये तकरीबन आगे जाके व्हाइट होंगे। व्हाइट जिसने भी लेना उसको हम निशानी भी बता दें, खुद चेक करके ले सकते हैं। तो भाई को स्पेशल फोन आने लग गए हैं। उस्ताद जी, किधर से दिखाई जा रहे हो? तितर इतना किधर से दिखाई जा रहे हो भाई? अभी तो मैं कहता हूँ कि मैंने 5% भी नहीं दिखाया। तितर तो यहाँ पे हजारों का हिसाब है, ब्रीडिंग हो रही है। जिस तरह ब्रॉयलर मुर्गी की ब्रीडिंग हो रही है, उस तरह तितरों की ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कौन सी प्रोग्रेस आज दिखाएंगे हम? अरानी और सफेद दोनों। मेरे दोस्त मुझे फोन करके कहते हैं, हसन भाई तू से तितरा दे पीछे पै गए, हाथों हो गए, कुछ और भी कर लो। लेकिन बात ये है कि ये जो ब्रीडिंग फार्म है जितने भी, इसे बहुत घर चल रहे हैं इस टाइम, हमारी इस वीडियोस की वजह से। तो आगे इंशाल्लाह ताला आप लोग भी जब शौक करेंगे तो फिर हम लोग आपके पास भी आएंगे। लेकिन अभी इस लेवल की फार्मिंग कहीं भी अभी नहीं हो रही जिस लेवल की ये हो रही है। वो देख रहे हैं सामने केजीज वगैरह कितने सारे हैं, इस साइड पे कितने ज्यादा केजीज हैं। यहाँ पर इतना केज है कि यार आप लोग पैदल चल के सारा देख नहीं सकते। ऐसा ही है ना, बहुत क्वांटिटी में केज है। कौन सी ब्रीड है? मिल नहीं रहा अभी, आपकी प्रमोशन की वजह से माल मिल नहीं रहा कहीं पे भी। हमारा माल मतलब के अवेल नहीं है, लोगों के ऑर्डर भी पोस्टपोन पड़े हैं, वो हमने आगे कर दिए हैं। मैं आप लोगों को इसलिए तो कहता हूँ भाई, प्रमोशन करवाया करो, दुनिया को पता चले अपना माल रखा हुआ आप लोगों ने इतना इतना सारा। तो कहते हैं हमें तो सारे जानते हैं, लेकिन बात यह है जो घरों में लोग बैठे हुए हैं, जो पहले भी काम करते थे, तीतर सेल करते थे, उसमें से बचता भी था, देना ब्रोकर को भी देना पड़ता है। अभी सिर्फ कस्टमर को ही नहीं पूरा हो रहा, ब्रोकर तो बहुत दूर की बात है। यानी कि वीडियो से फायदा हो रहा ना, वो वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। इनको भी फायदा हो रहा है, मुझे भी फायदा हो रहा है। जब आप वीडियो बनाओगे फिर आप भी वैसी बात है प्रमोशन करेंगे तो मुझे फायदा होगा। तो खोलें जरा इसको। ये है सफेद का, माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है, सही है। इसके तकरीबन 3 दिन के बच्चे हैं आज। तो माशाल्लाह से तितर का जो मेन चीज होती है वो क्वालिटी होती है। एक्टिव बच्चे भाईजान, चेक करें मेंटेनेंस यहाँ पे, कितने ही एक्टिव बच्चे यहाँ पे, चेक करें आप जरा। फुर्तीली बच्चों की फुर्तियां चेक करें, और पोटे आप गौर करेंगे ना, थोड़ा बहुत छोटा बच्चा शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन पोटे इनके फूल हैं, यहाँ पे चेक करें जरा। तो आप लोग घर में भी करवा सकते हैं, अपना एक छोटे से साइज साइड पे केज रख के उसके अंदर प्रॉपर ब्रीडिंग करवा सकते हैं। बड़ी करवाई है, मुर्गियों की ब्रीडिंग, लबड़ की भी करवाई है, बकरियों की भी करवाई है, अब थोड़ा सा इसका भी ट्रेंड लेके आए। जी भाई, आप क्या दिखा रहे हैं? सही है, थोड़ा ऊंची बोलना, हवा बहुत तेज चल रही है। क्वालिटी देखें चीज़, बच्चे की तरह ये बच्चे नहीं, अंडों पे बैठा है। अच्छा, वो बैठा हुआ अंडों पे, वो देखे मादी बैठी है अंडों पे, मादी अंडों पे बैठी है। और इसका सही जो घर है इसी तरह बना के रखना पड़ता है। नहीं, ये बड़ा वीआईपी सा देसी सा माहौल, पूरा जंगली माहौल है जी। 3-3 बना के रखे हुए उन्होंने नेस्टिंग, जिधर उसका दिल करता है जाके बैठ जाती है। सही है ना। और अभी इसने इधर अंडे दिए हुए माशाल्लाह, 10 से 20 अंडे नॉर्मली हमारे पास। हमने पिछली वीडियो में 17-17 अंडे दिखाए थे, 18-18 अंडे दिखाए थे। इतने दिए अभी सीजन के, 2 क्लच और आने हैं ना। बिल्कुल आने हैं, अभी 2 क्लच रह गए हैं बाकी। सही है, हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन जब ये वीडियो शूट हो रही है तब तक मैं आपको बताऊंगा 2 क्लच अभी इनके और आने हैं। सर क्या दिखा रहे हैं आप? तैयार हो गया माशाल्लाह से, तकरीबन 3 महीने उम्र है। व्हाइट के अंदर पट्टे चाहिए होंगे, नोके वगैरह सफेद कर चुके हैं, इसके अंदर माल पड़ा हुआ है। जिस भी भाई को चाहिए होगा, वो लोग कहते हैं कि ये व्हाइट कैसे हो सकता है। मैंने उनको बताया भी सावा घोड़ा जब काला होता है वो सफेद हो जाता है। इसी यार आप थोड़ा सा जूम करवा के कोशिश करो, चूंचे इनकी दिखाने की, नोके आ रही है, नजर आ रही है सफेद कलर की, कलर चेंज कर गई है। सबसे पहले नोक चेंज होती है, उसके बाद स्लो स्लो इसके पर निकलना स्टार्ट होते हैं। 8 महीने के अंदर ये प्रॉपर व्हाइट हो जाता है, और 10 महीने में ब्रीड स्टार्ट करता है। मादी 8 महीने में ब्रीड कर देती है, मादी कर देती है। नर को थोड़ा टाइम लग जाता है, कर देता है। सही है, नार को थोड़ा टाइम लग जाता है, मादी 8 महीने में भी ब्रीड कर देती है। राइट कैसन भाई, आपको बड़े बच्चे दिखा रहे हैं, रेडी फॉर न्यू होम है। सही है, दिखाएं जरा। ये तकरीबन होंगे जाके, कुछ व्हाइट होना स्टार्ट हो गए। ये तो पूरे तैयार पड़ गए माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखें पूरे बॉडी के अंदर इनको व्हाइट व्हाइट आपको पल्ले रहते, जैसे जैसे पर फेंकेंगे मोल्ड करेंगे उसके बाद ये व्हाइट पर अपने निकालेंगे सारे। नोके अपनी व्हाइट कर दी है, मेल फीमेल बिल्कुल कन्फर्म है। और ये अगर किसी को शौक के लिए चाहिए उसको हम ये ले लेंगे 2 महीने ब्रीडिंग में। नहीं 2 महीने नहीं, आगे इंशाल्लाह फर्स्ट जो कि नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट नेक्स्ट सीजन में जी, नेक्स्ट सीजन में इसकी ब्रीड है। मार्च अप्रैल में इनका फर्स्ट क्लच आएगा। सही है, बंद कर दे माहिन आ जाए, क्योंकि यहाँ से अगर बाहर आ गए तो ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे इनको ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। कि यहाँ पे
पूरा डेजर्ट एरिया, इनको यहाँ पे ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इस साइड पे भी दिखाता चलूं कि ये देखें, ये सारे केजीज लगे हुए हैं, वो लाइन से फिर ऐसे लगी हुई है लाइन, फिर ये एक लाइन लगी हुई है, फिर इस साइड पे सारा इसके पीछे केजीज लगे हुए हैं, फिर वो ब्लू कलर के आपको गेट नजर आ रहे होंगे, उधर जाके देखते हैं सारा, वो सारे केजीज लगे हुए हैं वहाँ पे सारे, वहाँ पे चलते हैं। बल्कि अगर आप कहते हैं ना भाग जाएंगे, भागते कहीं नहीं है, नहीं मतलब ये तो ब्रीडिंग पे लगे हुए हैं, तो डर रहे हैं हमसे। हाँ, जो हमने पहले वीडियोस के अंदर दिखाए थे चुटकी पे, वो तो हमने 22 सारे खुले छोड़े हुए थे। 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल इजीली टेम हो जाते हैं अगर आप इनको हाथ पे रखे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी ट्रेनिंग है ना। हाँ, ट्रेनिंग है 2-3 दिन की बात। अभी निकल गए तो फिर हमारे लिए मसला, अभी हम फिर जितनी गर्मी है दौड़ने लगनी है हमें। और कुछ इधर लगे हुए हैं। हाँ ये देखें, ये सारा सेटअप लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इतना तीतर है कि आप लोग आपकी सोच से परे है, बहुत तीतर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और सारा का सारा फार्म वो होम ब्रीड है सारी का। और हमारे पास वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस भी है, अगर कोई हमसे लेता है तो हम उनको वाइल्ड लाइफ का रजिस्टर शुदा जो कि फार्म है उसके साथ हम लाइसेंस की कॉपी भी लगा के देंगे। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप लोग तीतर ले लेते, होता है जंगली, एक तो वो जंगल में नुकसान होता है जिसकी वजह से वो हमारा बर्ड जंगली याद से खत्म होता है, और दूसरे नंबर पे मसला ये होता है कि वो आगे डर के मर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ वाले पकड़ते हैं तो आप उसकी मलकियत जाहिर नहीं कर सकते। अगर आपके पास उसकी स्लिप होगी वाइल्ड लाइफ से रजिस्टर शुदा फार्मर से आपने खरीदे होंगे, तो फिर वाइल्ड लाइफ वाले वो आपको आपकी इमानत वापस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो जब्त हो जाते हैं सरकार। हाँ, जब्त हो जाएंगे वो, ऊपर से 25-30 हज़ार रुपये आपको जुर्माना भी पड़ेगा। ऐसे होता है कि नहीं? जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हाँ, 25-30 हज़ार रुपये जुर्माना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप लेते हैं या किसी भी फार्मर से लेते हैं जिसके पास लाइसेंस है, तो वो आपके लिए आसानी पैदा होगी। अभी आपको ये जो है सारा दिखाते हैं, सारा तो दिखाना नामुमकिन है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जो रैंडमली, चलें थोड़ा बहुत शौक करवाते हैं आपको। अभी जिशान भाई ने पहला के चेक किया, बिल्कुल व्हाइट है जी इसमें। ओए होए यार, ये कैसी इन्होंने वो बनाई हुई है, न्यू सेटिंग है। इसमें है कुछ नहीं, इसमें नहीं, निकल गई यहाँ से बच्चे लेके। और बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, और हम जब पिछली बार आए थे तो यहाँ पर नादियाँ बच्चे पाल के बैठी हुई थी, अभी दोबारा जब आए 3 महीने बाद नेक्स्ट क्लास चार हो गया। सही है ना जी। नारिस का कहाँ पे है? नारिस का निकाला हुआ है, वो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा क्या? फिर निकाला हुआ है, इस वजह से जब ये तैयार हो जाएगी ना अंडे पे, तो फिर इसको दोबारा लगाएंगे, फिर इसे बंद करने निकलना जाए, नहीं तो रारा भाई की दौड़े लग जानी है यहाँ पे। आज हसन भाई अब आपको दिखाते हैं अरानी का शौक करे माशाल्लाह से, माशाल्लाह बच्चे हैं इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये व्हाइट है? नहीं, ये अरानी के बच्चे हैं। नहीं नहीं, ये मेल मेल, ये स्प्लिट है। स्प्लिट है, स्प्लिट है। इसमें वाइट बच्चे निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, इनमें से पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन रेट अरानी के रेट में मिलेंगे। अगर सफेद निकल आया वो आपकी किस्मत है, आपका लक है। ये पेयर कितने का मिल जाएगा ये वाला? यार ये ज्यादा छोटा है, इनकी प्राइस रेंज होगी तकरीबन 4 तक। नहीं पेयर 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 बीटर पेयर, अगर बीटर पेयर इस साइज की बात की जाए तो वो तकरीबन 13 तक बनेगा। 13 तक का देंगे जी। सही है, बेहतरीन हो गया। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें ये क्या दिखाने लगे हैं, वो देखें केजीज वगैरह यहाँ पे कितने सारे हैं। यहाँ बकरियां बुकरियां भी हैं, लेकिन बकरियों का कंटेंट हम करेंगे बाद में। जी फिशान भाई, ये वाइट है हसन भाई जी। जी, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें फुल वाइट चाहिए, और आपको जैसे लास्ट में बताया कि ये जाके वाइट होते हैं। अच्छा, ये सारे वाइट गारंटेड बच्चे हैं। हाँ, ये तकरीबन आगे जाके वाइट होंगे। वाइट जिसने भी लेना उसको हम निशानी भी बता दें, खुद चेक करके ले सकते हैं जी। वाइट वाले अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो नोक जग वाइट की होती है वो उनको देंगे। तो ये जाके तकरीबन 8 से 9 महीने वाइट होंगे, और बीच में इसमें कुछ दखनी के भी हैं। दखनी की पहचान हो जाएगी भी, दखनी की और वाइट हो जाती है। वो जब किसी को देते हैं तो उनकी नोक जोक वाइट हो जाती है। पहले तो ये देते नहीं हम, ये सेल्फ फीड पे हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं है, अकेले रह सकते हैं ये। भाई ये साइज के बच्चे किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे जी। भाई आप क्या दिखा रहे हो? सर जी, अरानी के अंदर ब्रीडर पेयर की डिमांड की जाती है कि भाई बच्चे नहीं पालने हमने, बड़े ही लेने हैं, बड़े आगे सिर्फ आते सारे अंडे बच्चे शुरू कर दे। तो ये अरानी देख ले, अरानियों के अंदर बड़े जोड़े जिस भी भाई को चाहिए होंगे मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा साइज है माशाल्लाह, बहुत ही बड़े साइज के अंदर माशाल्लाह, कमाल साइज है यार माशाल्लाह। असल में तीतर के अंदर रेट सिर्फ साइज के ऊपर होता है, 8 से लेके 15-20 तक भी जोड़ा जाता है। इस तरह का जोड़ा आपको तकरीबन 15 तक बनेगा, जिसका साइज ये होगा अच्छे साइज का। और इसको टेम्ड भी कर सकते हैं, फीमेल काफी सेमी टेम्ड है, मेल थोड़ा डर है, लेकिन टेम्ड हो जाएगा ये, हो जाएगा ठीक है। बड़े हैं, बड़े हैं, और दिखा देंगे, शोहे नहीं होते होते, बहुत दिखा दिए, नजर लग जाती है।